त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और बीजेपी जीत भी चुकी है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जिस जीत की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो है त्रिपुरा के महाराज प्रद्योत किशोर देव वर्मा की पार्टी टिपरा मोथा की। टिपरा मोथा इस पर पहली बार चुनाव लड़ रही थी, पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में थी और पार्टी 13 सीटें जीतने में सफल भी रही। इस पूरे चुनाव में टिपरा मोथा ने ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग उठाई थी, जिसकी खूब चर्चा रही और देखते देखते ये मांग चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। अब आपको बता दें कि टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देव वर्मा पहले कांग्रेस में थे। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने त्रिपुरा की कमान इनको सौंपी थी, लेकिन वो इस पद पर ज्यादा दिन तक नहीं रहे और 2019 में इस पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद भी प्रद्योत देव वर्मा अक्सर अपने बयानों में कांग्रेस की विचारधारा की तारीफ करते नजर आते हैं। चुनाव नतीजों के बाद अपने एक इंटरव्यू में प्रद्योत देव वर्मा ने राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है, साथ ही प्रियंका गांधी के लिए भी कहा है कि वो एक बहुत अच्छी नेता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के असर को लेकर किए गए सवाल पर देव वर्मा ने कहा, मैंने राहुल से बात की, वो शानदार इंसान है, उन्हें इस कदर ट्रोल किया गया कि ये उनका अपना निजी सफर था। मुझे लगता है कि वह उस दौर में चले गए हैं जहां उन्हें सभी ट्रोल्स, उनके खिलाफ होने वाले नफरत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने उन्हें दुनिया भर में बेहतर बनाया है, इससे देश भर में उनकी छवि में सुधार हुआ है। लेकिन कांग्रेस को अपने आप को दोबारा खड़ा करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को फिर से ठीक करना होगा और पार्टी को मजबूत करने की योजना बनानी चाहिए। इंटरव्यू में प्रद्योत देव वर्मा ने कांग्रेस छोड़ने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब मैंने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ा था, तब तक राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे और मैंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अपने इस्तीफे के बारे में बताया था और कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं पर बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा और ADC चुनाव में जब जीत हासिल करूंगा तब कांग्रेस को, यानी मेरी अहमियत कांग्रेस पार्टी को समझ आएगी। प्रद्योत ने इस इंटरव्यू में बताया कि ADC चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि प्रद्योत तुम सही थे। आपको बता दें कि इस चुनाव में प्रद्योत देव वर्मा कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अभी भी उनका झुकाव कांग्रेस की विचारधारा के प्रति थोड़ा थोड़ा है। माना जाता है कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि प्रद्योत के माता पिता दोनों कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं और प्रद्योत ने अपना बचपन कांग्रेस की विचारधारा के करीब बिताया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।